हाय फ्रेंड्स, सरलास किचन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बड़ौदा का फेमस सेव उसल की रेसिपी शेयर करूंगी, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स की डिमांड थी कि बड़ौदा फेमस सेव उसल की रेसिपी आप शेयर करो। इसमें है करुणा, स्वाति, पूनम, शीतल, बहुत सारे फ्रेंड्स का ये सजेशन था कि आप सेव उसल की रेसिपी शेयर करो। तो फ्रेंड्स, ये सेव उसल बनाना बहुत ही आसान है। ये बड़ौदा में हर जगह पे, हर लारी पे, स्टोर में सब जगह मिलता है, रेस्टोरेंट में भी मिलता है और काफ़ी ब्रांड फेमस है ये सेव उसल की। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम घर में अच्छे से सेव उसल बनाते हैं और ये लंच या डिनर दोनों में आप ले सकते हो। तो यहाँ पे ये मैंने आधा कप जितना वाइट मटर लिया है। वाइट मटर मैंने 5 से 6 घंटे पानी में भिगो दिया था। तो अभी ये मटर को हम कुकर में डाल देते हैं और इसके अंदर हम 1 ग्लास जितना पानी ऐड कर लेते हैं। हमें ये वाइट मटर हमें बॉईल करना है फ्रेंड्स। तो ये पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर 1/4 टीस्पून जितना थोड़ा सा नमक ऐड कर लेते हैं। नमक ऐड करने के बाद कुकर को बंद करके 5 से 6 सीटी बजा के इसको बॉईल कर लेते हैं मटर को। ये बॉईल होता है तब तक यहाँ पे मसाला देख लेते हैं। यहाँ पे एक मीडियम साइज का प्याज, टमाटर, 2 हरी मिर्च, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा और 5 से 6 लहसुन, 3 से 4 लौंग लेते हैं और ये सिनामन है, और प्याज और टमाटर को चॉप कर लेते हैं। ये चॉप करने के बाद फ्रेंड्स, ये सब मसाले को हम मिक्सर जार में डाल देते हैं। फ्रेंड्स, मार्केट में सेव उसल मसाला भी मिलता है, लेकिन आज हम घर के ही मसालों से बहुत अच्छा बनाएंगे सेव उसल। तो ये प्याज और टमाटर को जो चॉप किया था वो मिक्सर जार में ऐड कर लेते हैं। सिनामोन ऐड कर लेते हैं, यानी तज थोड़ा तोड़ के ऐड कर लेते हैं, और 5 से 6 लहसुन ऐड कर लेते हैं। लहसुन यहाँ पे थोड़ा अच्छा सा ऐड करना है, और अदरक, हरी मिर्च और लौंग, इस सबको हमें मिक्स कर लेना है, यानी मिक्सर जार में एक पेस्ट बना लेते हैं। ये स्पेशल मसाला हमारा ये बनकर रेडी हो गया है फ्रेंड्स। आप देख सकते हो अच्छे से ये पेस्ट बन गई है। थोड़ा सा दरदरा है तो बहुत अच्छा रहता है। ये मसाला बनाने के बाद अभी ये चटनी एक बना लेते हैं। यहाँ पे 8 से 10 लहसुन और यहाँ पे काश्मीरी लाल मिर्च 2 टेबलस्पून जितना लेते हैं। काश्मीरी लाल मिर्च से फ्रेंड्स तीखापन नहीं आता है, लेकिन कलर बहुत बढ़िया आता है। आप चाहो तो तीखी मिर्ची भी ले सकते हो। अभी इसके अंदर हम ढक्कन लगा के क्रश कर लेते हैं। आप देख सकते हो एकदम ड्राई ये चटनी बनकर रेडी हो गई है। तब तक हमारा कुकर भी रेडी हो गया है, मटर हमारे बॉयल होकर रेडी हो गए हैं। थोड़ा फट भी गया है तो बहुत अच्छे से ये मटर हमारे बॉयल हो गए, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। अभी गैस पे कढ़ाई चढ़ा के फिर इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून जितना ऑयल लेते हैं। ऑयल यहाँ पे मैंने ग्राउंड नट ऑयल लिया है, यानी शेंग तेल लिया है। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आपके पास जो भी ऑयल है वो आप ऐड कर सकते हो। और हमने जो लहसुन की चटनी बनाई थी वो इसको थोड़ा फ्राई कर लेते हैं, ताकि लहसुन का कच्चापन थोड़ा अच्छे से दूर हो जाए। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स सेव उसल में, और ये स्पेशली चटनी सेव उसल के लिए अच्छी रहती है। ये लहसुन की चटनी हमारी अच्छे से फ्राई होकर रेडी हो गई है। अभी इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं और पानी ऐड करके थोड़ा सा लिक्विड बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1/4 कप जितना पानी ऐड किया है फ्रेंड्स, और अच्छे से ये पकने के बाद इसके अंदर लास्ट में हम नमक ऐड कर लेते हैं और अभी गैस की फ्लेम बंद कर लेते हैं। अभी ये हमारी चटनी बनकर रेडी हो गई है। अभी ये चटनी को हम साइड पे निकाल देते हैं कटोरी में, और उसी कढ़ाई में हम फिर से हम 2 टेबलस्पून जितना ऑयल ऐड कर लेते हैं, और हमने जो मसाला बनाया है
वो इसके अंदर हम पूरा मसाला डाल देते हैं और फिर से इसको थोड़ा सौते कर लेते हैं। अभी प्याज और टमाटर को जल्दी पकाने के लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड कर लेते हैं, 1/4 टीस्पून जितना, और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मीडियम आंच पे अच्छे से इसको चलाते रहना है। तो आप देख सकते हो तेल भी छूट गया है और कलर भी अच्छे से टमाटर का पक कर रेडी हो गया है। तो अभी इसके अंदर हम 1/4 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे 1 टेबलस्पून जितना कश्मीरी लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून जितना गरम मसाला ऐड करते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स ये ग्रेवी हमारी बहुत अच्छी पक गई है। तो अभी इसके अंदर हमने जो मटर बॉईल करके रखा है वो मटर इसके अंदर डाल देते हैं और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अभी इसके अंदर हमें कितना उसड़ का रसा चाहिए इतना हम पानी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड कर रही हूँ। तो अभी मैंने 1/2 ग्लास जितना पानी ऐड किया है और थोड़ा पकने देते हैं और बाद में इसको थोड़ा ढक लेते हैं, ढक कर इसको अच्छे से पका लेते हैं। 2 मिनट बाद अभी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से, देखो साइड पे ऑयल भी छूट गया है और ये हमारा सेव उसल बनकर रेडी हो गया है। तो अभी लास्ट में नमक ऐड कर लेते हैं और नमक ऐड करने के बाद मिक्स कर लेते हैं। अभी सर्विंग डिश में हम सेव उसल को सर्व करते हैं। सेव उसल को सर्व करने का भी बहुत ही अच्छा एक तरीका है। इसके अंदर हम पहले क्या करते हैं कि जो हमने उसड़ बनाया है वो उसड़ इसके अंदर हम पहले डालते हैं। देख सकते हो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा टेम्पटिंग बना है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अभी ऊपर से थोड़ा सा और ज़्यादा तीखा और चटपटा बनाने के लिए जो हमने लहसुन की चटनी बनाई थी ना, वो चटनी थोड़ी थोड़ी यहाँ पर डाल देते हैं। इससे क्या है कि थोड़ी सी पहले डालते हैं फिर इसके ऊपर सेव डाल देते हैं। सेव यहाँ पे मैंने ये मोटी वाली ली है और ये सेव का वीडियो भी मैंने YouTube में दे दिया है, तो इसका लिंक मैं नीचे दे देती हूँ। और ऊपर से फिर से लहसुन की चटनी ऐड करते हैं। लहसुन का फ्लेवर ये सेव उसल में बहुत बढ़िया लगता है फ्रेंड्स। ऊपर से नींबू और अभी इसके ऊपर हम हरी प्याज यानी स्प्रिंग ऑनियन वो ऐड करते हैं। हरी प्याज का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर लिया। बहुत अच्छा टेम्पटिंग बन गया है फ्रेंड्स हमारा और ये पाव के साथ खाया जाता है। इसके साथ मैंने लहसुन की चटनी भी रख दी है, आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा आप ऐड करके खा सकते हो। तो फ्रेंड्स ये बड़ोड़ा का फेमस सेव उसड़ की रेसिपी आपको आज घर में ज़रूर बनाइए। और आज की रेसिपी मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, आपके फ्रेंड्स में ज़रूर ये रेसिपी शेयर करें। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।